आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो नमस्कार जी। जी नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं। मेरा नाम रमेश नाम जो है, हम जी रमेश जी, ठीक झांसी से बात कर रहा हूँ। है, सवाल करिए। हाँ, और ऐसा है कि हमको सितंबर 2012 में मेरा दुर्घटना में एक्सीडेंट में मेरा जान का हड्डी टूट गया था। ठीक है। उसके बाद उसकी सर्जरी हुई और जब डॉक्टर ने चलने के लिए हमको इजाजत दी तो उसके बाद मेरे कमर से लेके और नीचे पंजे तक उसमें दर्द रहता है, और 200-300 मीटर चलने पर पूर्ण रूप से कमर से लेके पंजे तक सुन्नपन हो जाता है, और जब बैठते हैं बैठना ही पड़ता है, जब बैठ जाते हैं तो थोड़ी देर 5-10 मिनट के बाद में फिर उठ के चला जाता है। तो डॉक्टर ने जो है वो सुन्नपन की दवाई भी हमारा इलाज किया है। एलोपैथिक अंग्रेजी डॉक्टर से हमने वो उधर इंडियन स्पाइन एंड सर्जिकल सेंटर बसंतपुर दिल्ली अपोलो और ये एम्स सब जगह इलाज कराया, और डॉक्टरों ने हमको सलाह ये दी कि आप जब तक चल रहे हो तो चलते रहो, सर्जरी करेंगे। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि सर एक बात बताइए, सर्जरी के बाद क्या मैं 200-300 मीटर करीब अभी चल पाता हूँ, तो क्या इसके बाद आपका सर्जरी वेदर आई शैल बी एबल टू मूव और नॉट। तो बोले सर नथिंग कैन बी सेड, बोले आपको कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो मैंने कहा कि भाई ये तो नई बात जमी। फिर मैंने जो है उनसे उस रास्ते पर जाने ही छोड़ दिया। ठीक है अब और उसके साथ आपसे बात करनी, आप पहला चल रहा मेरा, आपके यहाँ से इलाज चल रहा है मेरा। तो अच्छा, क्या ले रहे हैं और कितना फायदा है? ऐसा ऐसा जो बहुत काफी अरसे से जो है आपका मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, और इस समय भी दोनों साथ साथ बैठे हैं, बस वॉल्यूम जो है हमने इसमें बिल्कुल म्यूट कर दिया है और साथ में आप देख भी रहे हैं। तो ये मैंने जो इसके लिए जो है आपने जो नुस्खा बताते हैं, सूरजन सिंह, अश्वगंधा, हरा, हल्दी और कलौंजी, ये मिला के जो है इसका चूर्ण बनाया और करीब 2-3 महीने हमने इसको खाया अभी। और जी मैं शिकायत किसी की नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी शिकायत कर रहा हूं था, ठीक है। उम्र मेरी 70 साल है साहब। अरे वाह और इसके साथ साथ एक बात और भी है कि जो दूसरी चीज है कि हमने अपना MRI कराया, और इससे जो दवा जो हमको प्रॉब्लम जो हो रही है, हमारा जो पेट का निजाम है वो भी जो है ठीक नहीं रहता। तो हमने आपका जो नुस्खा है ये का जो देते हैं आप अपना सौंफ सौंठ और अजवाइन और काला नमक, ये 4 चीजों का मिलाया हुआ इसका सुलेमानी चूर्ण भी बनाया है, वो भी रखते हैं, प्रयोग कर रहा हूँ मैं गर्म पानी के साथ में सुबह शाम, आप ठीक खाने खाने के पहले, और दवा भी जो दे रहे हैं जो सुबह आपका ये भी जो है सुबह शाम आपका मील ये भी ले रहा हूँ। ठीक है। तो अब अभी अभी जो है इसमें जो हमारे डॉक्टर कुराल हैं आप हेल्पलाइन नंबर पर जो आपका डिस्प्ले हो रहा है, इससे हमारा करीब 3 हफ्ते पहले बातचीत हुई थी इनसे, तो इन्होंने एडवाइस किया था, बात तो हमने पूरी बता दी थी उनको, तो उन्होंने हमको टी केयर कैप्सूल बताया था, टी केयर, तो मैंने वो टी केयर कैप्सूल मंगा लिया है, ये पेट के लिए और है। मंगाने के बाद में 15 दिन करीब अभी हुए हैं, तो क्योंकि हम बड़े हिस्ट्री सीकर हैं इस मामले में, क्रॉनिक हैं पेशेंट, पूरे 2012 से लेके अभी तक 20 हो गया है, और पता नहीं कहाँ कहाँ की दवाइयाँ खाई हैं, तो दवाएं तो हमने अंग्रेजी वाली तो 100% बंद कर दी। अच्छा, हमें आप और एक बात जी बताइए, साहब, आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ? ये है ठीक कि अंग्रेजी दवाएं जो खा रहे थे वो बंद हो चुकी हैं, है। और जो नुस्खा भी आपका ले रहे थे उससे भी हमको आराम पड़ता था, लेकिन ये है कि फैक्ट ये है कि हमको कोई नुकसान नहीं हो रहा, ये मैं बहुत बिल्कुल खुल के बहुत बोल रहा हूँ अच्छा आपको। अच्छा मेरी बात हाँ सुनिए। दरअसल हम एक ही पेशेंट का ना पूरे प्रोग्राम में बात नहीं सुन सकते, माफी के साथ आपसे ये अल्फाज कह रहा हूँ। आप बहुत कदर वाले आदमी हैं, और मेरी छोटी सी बात सुन लीजिए। ये जो आप नुस्खे ले रहे हैं इनमें आप ये जो पेट का नुस्खा है आपके, इसमें नमक कलौंजी मिला लीजिए 100 ग्राम। पेट के नुस्खे में नमक कलौंजी, एस्टेक होता है ये कलौंजी का, या हम इसे रसायन भी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको एस्टेक कहते हैं, या हम आसान जबान में नमक कलौंजी।
तो ये फौरन काम करने लगेगा आपका तेजी से। आपको तेज दवा की जरूरत है, आपको हल्की दवा नहीं चलेगी। आपकी उम्र भी ऐसी है और फिर आप मजबूत आदमी हैं, आपको पोटेंसी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसमें तो आप ये मिला लीजिए नमक कलौंजी पेट वाली दवा में, और जो आपका दर्द वाला नुस्खा है सुरंजान शीरी वाला, वो यूं ही रहने दीजिए। उसमें 100 ग्राम आप काला गोंद मिला लीजिए, इसे गोंद स्याह कहते हैं, लेकिन लेना असली है। इसमें मिलाकर आप शुरू करें, आपको जो फ़ायदा भी हुआ या नहीं हुआ उससे 50 गुना तेज़ी से फ़ायदा होगा। और ये जो पेट का नुस्खा है, इसको आपको आधे से एक चम्मच खाना है दिन में 2 बार। और ये जो गोंद स्याह वाला नुस्खा बता रहा हूँ जो आपके पास मौजूद है, इसमें गोंद स्याह मिलाना है 100 ग्राम, तो इसमें आपको 1-1 ग्राम खाना है तीनों टाइम खाने के बाद, बगैर चर्बी के दूध से, पानी से या जूस से, जैसे आपके हालात ले सकते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपकी बात काट दी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट लाइन में लगे रहते हैं। बाकी बातें आप इनसे हमारे डॉक्टर से कितनी भी देर बात करें, जो हमारे ऑनलाइन डॉक्टर आपसे बात करते हैं, उनसे बात करते रहिए। और उन्होंने टी केयर जो कहा है वो भी आप ले सकते हैं, वो भी दिन में 2 बार, तो उससे आपको बहुत तेज़ी से फ़ायदा हो सकता है। चलिए, नेक्स्ट कॉलर हैं गाज़ियाबाद से, अम्बा हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार आदाब। अच्छा, मैं परसों बात करी थी तो वो लास्ट टाइम था, तो टाइम जो है जल्दी खत्म हो गया। मैं फीडबैक भी देना चाहता था, 2 पॉइंट को क्लैरिफाई करना चाहता था, वो हो नहीं पाए थे। जी जी, तो उसमें डॉक्टर, पहले तो मैंने बहुत जाति की कि जो नुस्खों का मुझे फायदा हुआ वो मैं नहीं बता पाया, और बल्कि मैंने शुरुआत कर दी जिसमें मुझे नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं आपका जो सुरंजान सीढ़ी वाला नुस्खा है, ये मैंने आज से 2-2.5 साल पहले लिया था, तो तब से मैं आपके कॉन्टेक्ट में, 3-4 साल से जो है। तो ये मेरे एक नेचुरल पेन हुई थी, मेरी 71 की ईयर की मेरी एज है, और ये मेरे घुटने में पेन हुई थी, तो वो नुस्खा मैंने अजमाया, वो मेरा यानी 500 ग्राम का जो नुस्खा बना था उसके होते होते वो बिल्कुल ठीक हो गया था। ठीक है। और प्लस जो था, मेरी एक 50 साल पहले वेट लिफ्टिंग करते हुए गोडा चटका था, तो वो मेरी लगातार 50 साल से पेन होती थी, बल्कि वो भी 70-80% उसको भी आराम आ गया, जबकि मैंने सोचा था कि शायद एक्सीडेंटल, शायद इससे ना ठीक हो, लेकिन उस पर भी उस नुस्खे ने काम किया जी, बहुत अच्छा। ठीक है। अच्छा, देखिए आपकी बात पूरी हो गई। आपसे पहले आप सुन रहे होंगे, एक साहब का फ़ोन आया, वो भी 72 ईयर्स के थे, आपकी तरह आप 71 के हैं। अच्छा देखिए, मेरा काम जो है वो सिर्फ इतना है कि आपको ईमानदारी से कोई मशवरा दे देना। अब आपका और भगवान का मामला रह जाता है। अगर मैंने अपना काम ईमानदारी से कर दिया, अब आपका नसीब और भगवान का हुक्म, ये बात हमेशा याद रखिए। मैं बहुत दवा बेचने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ घरेलू नुस्खे देने की कोशिश करता हूँ। आपको फ़ायदा हुआ तो बहुत शुक्रिया ऊपर वाले का करिए, और हो सके तो मेरे लिए भी दुआ करिए। अगर फ़ायदा नहीं हो तो मैं ज़िम्मेदार नहीं, क्योंकि ये दवाएं ऊपर वाले के हुक्म से काम करती हैं। जैसे उनको फ़ायदा नहीं हुआ या कम हुआ, आपको पूरा फ़ायदा हो गया। जिन लोगों को नुस्खे से फ़ायदा ना हो तो उन्हें अपने रब को मनाना चाहिए, अपने भगवान को मनाना चाहिए, उससे मदद मांगनी चाहिए। और मैं नुस्खे बदल बदल के बताता हूँ ताकि लोग उसके समझ लें कि नुस्खे में भी फ़र्क होता है। यही सुरंजान शीरी वाले नुस्खे में अगर वो साहब या आपको फ़ायदा ना हो तो गोंद स्याह मिला लें, तो ये उससे 50 गुना तेज़ी से काम करता है। लेकिन क्वांटिटी वही 1-1 ग्राम दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अच्छे लोगों के आज कॉल आ रहे हैं, और मुझे पिछले प्रोग्राम में शिकायत थी सब 50 साल के आ रहे हैं, अब शायद 70-72 से शुरू हुए हैं। ये लोग तजर्बेकार होते हैं, अच्छी बात करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी भी अगर अच्छे लोगों से बात हो जी। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं, हमारे साथ बीना जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रही है? मैं मेरठ से बात कर रही हूँ। चलिए, सवाल करिए अपना। जी नमस्कार। आदर। मेरे जो मैडम घुटनों में दर्द रहता है। घुटनों में दर्द है? हाँ
हाँ, रात को करंट सा लगता है और मेरा पेट भी साफ नहीं दिखता, ठीक है, और मुझे रात को नींद नहीं आती, नींद की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी याददाश्त भी बहुत कम होती है। ठीक है, और कुछ बताना चाहती हैं, एज चाहे तो बता दीजिए हम अपनी। एज मेरी 57 साल है। ठीक है, अच्छा देखिए, घुटनों का दर्द किसी को हो या कहीं भी दर्द हो, चाहे दाढ़ में दर्द हो, चाहे कहीं भी दर्द हो, तो वो कहाँ सोने देता है। जो इसके लिए इलाज भी ज़रूर किया होगा आपने, और अभी आप जिसे टेलीविज़न देख रहे थे, तो इसमें मैं नुस्खेजात बताता हूँ, उससे ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो जाता है जो संयम वाले होते हैं। और गोंद स्याह अगर आप आधा आधा ग्राम खाएं रोज़ाना, काला गोंद आता है एक असली, लेना नकली बहुत मिलता है, तो ये 100-200 ग्राम ख़रीदने पर अगर आप ख़त्म कर लें इसे, तो ये अपने ख़त्म होने से पहले बीमारी को ख़त्म करने में काफ़ी है। और जिनके पेट में प्रॉब्लम है वो ले सकते हैं, देखिए नमक कलौंजी आता है, एक नमक कलौंजी, तो नमक कलौंजी ले लें, ये एस्टेक होता है, ये एस्टेक होता है कलौंजी का रसायन भी कह सकते हैं इसे, ये आधा ग्राम पानी मिलाकर पी लिया करें, एक बार या दो बार दिन में आपका पेट भी और नींद भी खूब अच्छी आया करेगी, ऐसा मेरा तजर्बा है जी। अगले कॉलर हैं पंजाब से, एलके शिमला हमारे साथ, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। जी जी, आदाब आदाब सर, मैंने अपनी बेटी के लिए पूछना था। उनके सिर पे बहुत रूसी है, डैंड्रफ है। ठीक है, बहुत खाज करती रहती है, बहुत ही तकलीफ है उसको। कितनी उम्र होगी बच्ची की? 22 साल की उम्र है डॉक्टर साहब। तो देखिए बड़ा आसान नुस्खा है एक, जो घर में, हमारे घरों में महिलाएं दूध की बालाई जमा करके ना और घी निकाल लेते हैं, ये वाला घी लीजिए और रात में उसके लगा ले अपने, खूब मालिश कर ले सर में, और कुछ बांध भी ले पॉलीपैक वगैरह, ताकि तकिया बिस्तर ख़राब ना हो, और सुबह को वॉश कर दिया करे, ऐसा एक हफ्ते बच्ची करेगी तो बहुत आसानी से ये डैंड्रफ ठीक होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर हैं कर्नल वर्मा जी इंदौर से हमारे साथ, स्वागत है आपका जी। हाँ जी बताइए, सवाल करिए। असीम साहब से बात करनी थी जी। वर्मा साहब, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, बताइए क्या आपका फरमान है जी। मैं ये जानना चाहता था कि ये कलौंजी नमक के बदनिस्बत कोई दूसरी चीज हो तो तो फिर आपको देखिए सिर को में आना पड़ेगा, तो आप जैतून का सिरका ले सकते हैं। जैतून का सिरका अगर 2-3 चम्मच एक बार लिया जाए दिन में, या 2 बार पानी में मिला के, तो बहुत फ़ायदा करता है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको आपके सवालों का जवाब संतोषजनक मिल गया होगा, लेकिन दर्शकों आपको ये भी तो समझना होगा ना कि आपके रोग के लिए कौन सा नुस्खा बेहतर है या फिर कौन सा परहेज़ आपको करना है। अगर आप लोग बात करें दर्शकों अतिया हर्ब्स की, तो अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज़्यादा हिंदुस्तान में इसकी फ्रेंचाइजी है, जिसकी प्रमोटर फाउंडर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो सीधा आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। आपको कोई भी रोग क्यों ना हो गया हो दर्शकों, बार बार इस कार्यक्रम में यही आप लोगों को कहा जाता है कि ऑपरेशन कराने की नौबत आ चुकी है या फिर आप लोग सिर्फ और सिर्फ दवाइयों पर निर्भर हो चुके हैं, तो वो सभी दर्शक अब जान लीजिए कि आप घरेलू नुस्खे अपना के ठीक हो सकते हैं। यूनानी को अगर आप लोग अपना वक्त देते हैं 4 से 5 महीने, यानी कि जो लोग संयम रख सकते हैं, जो लोग इंतज़ार कर सकते हैं, जहाँ उन्होंने इतने सालों साल एक ट्रीटमेंट में मतलब अपना पूरा आधे से ज़्यादा वक्त गवा दिया है, वो लोग अब यूनानी की तरफ चलिए दर्शकों। देखिए यूनानी भी अगर आप लोग अपनाना नहीं चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि नुस्खे अपना लेते हैं, उनसे हमें फायदा हो सकता है, तो यकीन मानिए जरूर आप लोगों को फायदा होगा, लेकिन आपके लिए नुस्खा कौन सा बेहतर है ये तो आप ही लोग जान सकते हैं ना। तो अगर आप रोग संबंधी प्रश्न करना चाहते हैं, हकीम साहब से लाइव बात करना चाहते हैं, तो तुरंत इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं।